सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील बेड टैबलेट्स के बारे में। बेसिकली ये कोरोना फार्मास्यूटिकल कंपनी की देखने को मिल जाती है। 46 रुपये की लगभग आपको 10 टैबलेट्स के रूप में ये उपयोगी हो जाती है। तो डिटेल्स में जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और दो प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। सिंपल से आती है स्टेलबिट टैबलेट एंड स्टेलबिट 2 टैबलेट आती है। अब 2 में क्या होता है वो आगे हम बात करने वाले हैं। इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालें तो बेसिकली इसमें आइसोप्रोपामाइड होता है 5 mg में और दूसरा आ जाता है ट्राइक्लोपैराजाइन जो होता है 1 mg में। जो 2 आती है स्टेलबिट उसमें 2 mg में ट्राइक्लोपैराजाइन होता है, बाकी इसमें सॉल्ट जो होता है वो सिंपल से होते हैं। बेसिकली इसको IBS की प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डिटेल्स में इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करें तो आइसोप्रोमाइड एक क्या होता है, गट रिलैक्सेंट होता है, यानी आंतों में इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, या कहें तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स होता है जो पेट में ऐंठन को, दर्द को, सूजन को कम करने में मदद करता है। दूसरा आ जाता है इसमें ट्राइक्लोपैराजाइन, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होता है या कहीं तो एक प्रकार का फेनेटोइनजाइन होता है जो जिसका उपयोग मानसिक रोगों में यूज किया जाता है। बेसिकली ये डोपामाइन नामक का एक केमिकल जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मूड स्वेलिंग होना या फिर चेंजेस होना उसको नियंत्रण कर देता है, या कहें तो उस केमिकल्स को ये साल्ट जो होता है वो ब्लॉक कर देता है। आइसोप्रोमाइड को मैंने पहले भी बताया था आपको कि भैया पेट दर्द के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो यही इसका एक डिटेल्स रिव्यू हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इसके उपयोग के बारे में बात करें तो IBS की प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में ऐंठन, पेट में दर्द होना, सूजन होना, गैस होना, बार बार दस्त होना, कब्ज की शिकायत जैसी कंडीशनें हो जाती है। साथ ही साथ अगर पेट में अल्सर हो रहे हैं, डुओडेनल अल्सर हो रहे हैं, पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं, तो उसमें भी आप स्टील बेड टैबलेट्स का यूज करवा सकते हो। साथ ही साथ बदहजमी हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है, तो इस टैबलेट्स को इस प्रकार की कंडीशनों में यूज़ किया जाता है। हाइपर एसिडिटी या आंतों के विकारों में, या फिर बार बार अगर दस्त हो रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें ट्राइक्लोपैराजाइन का यूज़ क्या है, बेसिकली जब आइसोप्रोमाइड ही गट रिलैक्सेंट है तो ट्राइक्लोपैराजाइन का क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गैस की वजह से कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, आदमी घबराने लग जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेचैनी शुरू हो जाती है, तो उसमें आपका ट्राइक्लोपैराजाइन जो जैपेन जो ड्रग्स होता है वो इस प्रकार से काम करता है कि पेशेंट को पेट में भी दर्द वगैरह हो रहा है, एसिड वगैरह हो रहा है, साथ ही साथ कुछ चक्कर आना जैसे कि बेचैनी की महसूस हो रही है, तो उसमें ये काम करने में मदद करता है। अब इसकी डोजेज क्या होती है, एडल्ट की डोजेज की सुबह शाम एक एक गोली देखने को मिल जाती है। अलग चाइल्ड में या सबके कंडीशन में अलग अलग ही डोज होती है, या फिर डिजीज में भी इसकी डोज होती है सारी की सारी अलग ही देखने को मिल जाती है। निषेध की बात करें तो अगर किसी ग्लूकोमा है, प्रोस्टेटेड हाइपरट्रॉफिक प्रॉब्लम है तो यूज नहीं करना चाहिए। लीवर डैमेज है या कोई और दवाइयां आप यूज कर रहे हो उसके साथ भी इसका यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श जरूर लेना चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में इसको नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई ड्राइविंग चलाता है, मशीनरी काम करता है, तो उसको यूज़ करने से पहले इसमें टैबलेट को यूज़ नहीं करनी पड़े। नींद आना, सुस्ती आना जैसे कंडीशन होने की वजह से आपको एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लमें आ सकती है। इसके साथ साथ ही बच्चों को यूज़ करने से पहले सावधानी से डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से लेना चाहिए। इस दवाई के साथ अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होना, ड्राई माउथनेस होना, नींद नहीं आना या बेचैनी होना, कब्ज होना, ऐसे सिम्टम्स या ऐसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है लेकिन होते हैं तो कई कई बार लोगों को देखने को मिले ही हैं। तो गाइस ये था कुछ स्टीलबिट टैबलेट्स का यूज़, इसका साइड इफेक्ट, डोजेस क्या है और क्या इसमें होता है, सारी जानकारी हमने डिटेल्स में आपको दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।